स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिसिंग सोना स्टीम एंड वाटर बाथ। सबसे पहले हम लेते हैं सोना बाथ। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, ये सोना बाथ है। अब अंतर क्या है सोना बाथ और स्टीम बाथ में, ये देख लेते हैं। तो सोना बाथ जो है वो ड्राई हीट देता है, यानी कि शुष्क गर्मी प्रदान करता है, जिसका कि टेम्परेचर होता है 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। एंड स्टीम बाथ जो होता है वो वेट हीट प्रोड्यूस करता है, इसका टेम्परेचर होता है 100 to 120 डिग्री फारेनहाइट। ये है आपका स्टीम बाथ, इस तरह से होता है। केवल इसमें फेस बाहर निकला रहता है, बॉडी पूरी अंदर रहती है। अब हम देखेंगे स्टीम रूम और सोना रूम जो है उनके क्या लाभ हैं। इन दोनों में जो हम लेते हैं तो इससे हमारी त्वचा साफ होती है, तनाव जो टेंशन दूर होता है, और जो इसमें हमारे शरीर में जो गर्मी प्रोड्यूस होती है उससे पसीना निकलता है, तो उससे सारे टॉक्सिस जो हैं वो पसीने के थ्रू बाहर जाते हैं। मांसपेशियाँ रिलैक्स होती हैं, आराम मिलता है, हमारा फैट जो है वो कम होता है, तो वज़न भी हमारा कम हो जाता है। अगर हमारा साइनस की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म होती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और एक तरह से इंजॉइंग है, टेंशन फ्री, मूड फ्री अच्छा हो जाता है। अब इसमें क्या लिमिटेशंस हैं सोना और स्टीम बाथ की देख लेते हैं। अगर हम 15 मिनट से ज़्यादा अगर इसमें हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। एम्प्टी स्टोमक जाना चाहिए इसके लिए, और पानी पी के जाना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनके अलग अलग तरह के स्किन डिजीज़ या कोई भी डिजीज़ होती हैं, या जुकाम खांसी भी होता है, तो कीटाणु जो है वो भाप के थ्रू और जो है वो हमारे अंदर बैक्टीरिया कीटाणु जो है आ जाते हैं। हार्ट रेट्स को बढ़ा देता है ये, और प्रेग्नेंट लेडी को इसमें नहीं बैठना चाहिए। और अगर किसी का इम्यूनिटी कम है या किसी ने सर्जरी कराई है तो ये दोनों स्टीम एंड सोना बाथ नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट है वाटर बाथ। दो तरह के होते हैं, कोल्ड वाटर बाथ एंड हॉट वाटर बाथ। अब गर्म पानी हम लेते हैं सर्दियों के अंदर विशेष तौर से, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और हमारा हार्ट बीट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर होती हैं, नींद अच्छी आती है, स्किन की अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, पोर्स खुल जाते हैं सारे। किसी के सिर में दर्द है तो भी आप गर्म गुनगुने पानी से नहाते हैं तो सिर में दर्द दूर होता है, जुकाम में लाभ मिलता है। अब इसके नुकसान क्या हैं, गर्म पानी से नहाने के नुकसान क्या हैं। जिनको हाइपरटेंशन है उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, इससे चक्कर, उल्टी, सीने में दर्द, बेचैनी अगर हो तो तुरंत बाहर आ जाएं। और ब्लड प्रेशर अगर जिनको प्रॉब्लम है तो वो भी डॉक्टर की सलाह से ही लें। हार्ट जो पेशेंट हैं वो भी सोना बाथ ये जो है उसको डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसमें क्या है, पसीना बहुत निकलता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसा कि पहले भी बताया, तो खूब पानी लें, पानी पी के फिर आप स्नान करें। और एक घंटे पहले तो इसमें आपको कुछ नहीं खाना है, खा के नहीं जाना है इसके अंदर। और इसमें ये और बात बताइए कि तौलिए से अच्छी तरह से लपेट कर जाएं, अगर ख़ास तौर से जो सिर है उसको आप अच्छे से लपेट लें, नहीं तो गर्मी बढ़ सकती है। और कोल्ड बाथ देखते हैं। कोल्ड बाथ जो है, जैसा कि आमतौर पे यही है कि अब गर्मी हो रही है तो आपको ठंडे पानी से नहाते ही और अच्छा महसूस होता है, तो हम देख लेते हैं क्या फ़ायदे हैं। मूड अच्छा हो जाता है, कहीं भी बॉडी पेन है तो ख़त्म हो जाता है, रिलैक्सनेस होती है, अलर्टनेस बढ़ती है, स्किन हमारी अच्छी ग्लोइंग हो जाती है, फैट कम होता है, नींद हमारी अच्छी आती है, शरीर की गंदगी साफ़ होने के बाद अच्छे से पोर्स खुल जाते हैं,
इम्यून सिस्टम बढ़ता है, स्पर्म्स काउंटिंग भी बढ़ जाता है पुरुषों के अंदर। अब ठंडे पानी से नहाने के क्या नुकसान है देख लेते हैं। ठंडे पानी से नहाने से बालों को हानि पहुंचती है क्योंकि ये अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं बाल उसके, और उसमें डस्ट वगैरह लगी रह जाती है और उससे वह कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। बच्चों को छोटे, ख़ासतौर से छोटे बच्चों को ठंडे पानी से अगर नहला देते हैं तो वो सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से दिल के रोगी होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर का स्ट्रोक बढ़ सकता है, इसलिए ठंडे पानी का उपयोग ना करें। तो इस तरह से आज हमने इस टॉपिक को देखा कि हम क्या होता है, सबसे पहले तो स्टीम, सोना एंड वाटर बाथ, और उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। धन्यवाद।